दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस के 6X सोल्जर्स की मदद से हमने बनाया है एक मिलिट्री बूट कैंप। हम जानेंगे कि इन यूनिट्स में सिलेक्शन किस तरह किया जाता है, चलो बाहर निकलो, सुना नहीं क्या तुमने? जल्दी इसी वक्त बाहर निकलो, चलो लाइन में आओ, कोई ऊपर नहीं उठेगा, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, गिनती शुरू करो पीठ के बल। हेल्स वीक की पहली रात में इन्हें जिन हालातों से गुजरना पड़ रहा है उन्हें सील्स की ट्रेनिंग में दोहराया जाता है। इसका नाम है ब्रेकआउट। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? पानी में लेटो, तुम्हारा सर पानी के अंदर होना चाहिए। अब बाहर आओ, लाइन में वापस जाओ, इन सब के ऊपर पानी फेंको। ये इसलिए किया जाता है ताकि कैडेट्स की शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़े और उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा सके। चलो कूदो। जब इन सब की ट्रेनिंग हो जाएगी तब इनमें से हर एक में आपको बदलाव नजर आएगा। हमें इन्हें मजबूत बनाना है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और इन्हें ऐसी मुसीबत में डालने से काम जल्दी हो जाएगा। पानी में कूदो, पानी में कूदो। असली सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 1/4 कैडेट्स ही हेल वीक के आखिर तक बच पाते हैं। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई सर्फ टॉर्चर टेक्निक को सील्स की ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पुश अप पोजीशन, वो भी कड़कती ठंड में। सिर ऊपर, डाउन, अप। अब रिपीट करो, डाउन, अप। पूरा सिर पानी में जाना चाहिए। ए, तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं, लेटने के लिए नहीं। असली सील ट्रेनिंग में शारीरिक टेस्ट सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% टेस्ट मानसिक क्षमता का होता है। डाउन। मुझे पता है तुम सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम इससे हार नहीं मान सकते, तुम्हें डटे रहना है। मैंने ये किया था, तुम भी कर सकते हो।